तो नेपाल में कल से ट्राई नेशन सीरीज का आगाज होने वाला है। साथ में पता है जो तो ट्रॉफी भी आज रिवील कर दिया गया है नेपाल वर्सेज यूएई मैच से पहले। साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएई के कैप्टन और नेपाल के कैप्टन भी सहभागी थे। बता देते एक नेपाली में गाना है, मैले माया मांगी राछु तिमी के ही जवाफ दिनो अगी अगी हिड छौ तिमी के ही न बोलेर मलाई पछि लाग्ने बनायो। तो पूरा संसार नेपाल के पछाड़ी लागने वाला है। बता दे तो नेपाल क्रिकेट टीम इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे, इस तरह से धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे, उससे पूरा देश पूरा वर्ल्ड नेपाल के पछाड़ी आएगा। बताया जाए तो नेपाल की टीम काफ़ी शानदार इस साल में मैच खेले हैं और ये सभी को उम्मीद है कि नेपाल क्रिकेट टीम इस बार वर्ल्ड कप का सफर भी तय कर लेगा। मिशन वर्ल्ड कप से पहले ट्राई नेशन सीरीज नेपाल में रखा गया है जो कि नेपाल होस्ट कर रहा है। साथ में बता दें तो नेपाल क्रिकेट टीम इस बार ट्राई नेशन सीरीज में किस तरह से खेलते हैं वहीं से तय होगा नेपाल क्रिकेट टीम का मिशन वर्ल्ड कप सक्सेस होगा या नहीं। इसमें 18 मेंबर का एक स्क्वाड है, इसी स्क्वाड से नेपाल क्रिकेट टीम 15 मेंबर का स्क्वाड निकालेंगे ICC T20 वर्ल्ड क्वालिफायर के लिए। तो आप लोगों का जोश क्या है, आप लोग दिखाइएगा कल के मैच में। और इतना सभी को पता है कि नेपाल का मैच हो और ग्राउंड ना भरे, ये हो नहीं सकता। कल ट्यू मैदान बन जाएगा रंगशाला, जो कि बता दें तो दिवाली, छठ और अभी चल रहा है दुर्गा पूजा, तो ये सारे मिक्स करके पूरा फैंस कल दिवाली छठ सब मनाएंगे मैच में ही, और मैच में ही बना देंगे मेला। तो आप लोग कितने सपोर्ट करने वाले नेपाल की टीम को कमेंट कीजिएगा, और नेपाल टीम ऑल द बेस्ट कल के मैच में। तोरो फोरो मोरोरो और अपना राइवलरी चलता है यूएई के साथ, वही दिखाना है और मचा देना है शोर। हम मैच के बाद कल फिर से लाइव आएंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। स्टे विथ माई यूट्यूब चैनल। जय नेपाल, जय नेपाल की टीम, लव यू ऑल।